तो है ना बिल्कुल लाजवाब रेसिपी। सिर्फ पनीर और ब्रेड से मैंने कोफ्ते बनाए हैं और बहुत लाजवाब इसका टेस्ट आया है, तो एक बार इसे घर में आप जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड, स्वागत है प्रिया के जायके में। तो आज हम एक अनोखी रेसिपी अपने जायके में बनाएंगे। इस रेसिपी की खास बात ये है कि मैंने यहाँ पे ब्रेड और पनीर के ऐसे कोफ्ते बनाए हैं जिसे आप खाते रह जाओगे। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गर्म करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम घी डालेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 पत्ते तेज पत्ते के लिए है, दालचीनी ली है, इलायची लिया है, लौंग लिया है, मगज लिया है, पोस्ता दाना लिया है, काजू और किशमिश लिया है। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो हम तेज पत्ता डाल देंगे और साबुत मैंने जो इलायची और लौंग लिया था उसे भी डाल देंगे और इसमें रोस्ट करेंगे। मसाले रोस्ट हो गए हैं, इसमें बड़े टुकड़ों में मैंने प्याज डाला है, उसे इस घी में डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 बार चलाने के बाद 1 टेबलस्पून नमक और ये ड्राई फ्रूट्स जो लिया है, काजू, किशमिश, मगज और पोस्ते, इस प्याज में हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 बार चलाएंगे। एक ग्लास पानी डाल देंगे और प्याज को बॉईल करेंगे। प्याज में बॉईल आ गया है, इसमें 1 टेबलस्पून हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से थोड़ा स्वीट टेस्ट आएगा और इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक इसका पानी सारा सूख ना जाए। पनीर के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है अच्छे से। यहाँ मैंने फ्रूट ब्रेड लिया है और ब्रेड के सारे साइड्स को कट कर लिया। इस ब्रेड को हम दूध में भिगो देंगे। 1/2 ग्लास हम दूध डाल देंगे ब्रेड में। आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट ब्रेड का थोड़ा फ्लेवर मीठा होता है, इसलिए कोफ्ते में मैंने फ्रूट ब्रेड यूज़ किया है। और यहाँ मैंने पनीर जो ग्रेट किया है उसका हम डो तैयार करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और जो ब्रेड को दूध में भिगो के रखा है और धनिया पत्ता को बारीक काट लिया, इसे पनीर में हम मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पनीर, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लिया और खोया का टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ का अमूल्या पाउडर लिया है और इस पनीर के मिक्सचर में इसे ऐड कर देंगे। ये हमारा मावे का काम करेगा और बॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कोई लम्स ना रहे और ये जब डो तैयार हो जाएगा बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स हम इसके तैयार करेंगे। डो को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स मैंने यहाँ बनाया है। डो के बिल्कुल छोटे छोटे सारे बॉल्स आप बना लें और मेरा प्याज भी का भी मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब उसका हम ग्रेवी बनाएंगे और ये बॉल्स बना करके छोड़ देते हैं। इसे हम ग्रेवी तैयार करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। प्याज बिल्कुल ठंडा हो गया है, यहाँ पर मैंने जो खड़े मसाले दिए हैं, दालचीनी, लौंग को अलग कर देंगे, नहीं तो ये कड़वा टेस्ट आएगा। मैंने पनीर के सारे छोटे छोटे बॉल्स बना लिया है और एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म किया है और इस बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। तेल बिल्कुल गर्म है, अपने हम बॉल्स एक एक करके डाल दें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। बॉल्स बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गया है, इसे हम एक एक करके अलग कर लेंगे। और बैचेस में सारे बॉल्स को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे बॉल्स को मैंने फ्राई कर लिया है और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बने हैं ये बॉल्स और इसके लिए हम ग्रेवी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने
लेफ्ट ओवर ऑयल को अलग कर दिया है। करीब 2 चम्मच यहाँ पर घी लिया है, उसमें मैंने जो मसाले को भिगोया था इसे इस घी में डाल देंगे। जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच हम अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन मिर्च बिल्कुल भुन गया है, इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और इसे भी भुनेंगे। यहाँ मैंने मगर जो प्याज का और काजू का जो पेस्ट बनाया है उसे इस ग्रेवी में डाल देंगे। और उसे भी भुनेंगे। लहसुन के साथ ये पेस्ट मैंने जो बनाया उसे अच्छे से भून लिया है। एक छन्नी पे मैंने करीब 300 ग्राम दही को निकाल दिया है सारा पानी, और इसे इस ग्रेवी में हम डाल देंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। ग्रेवी बिल्कुल बॉईल हो गया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और करीब 1 ग्लास पानी डाल देंगे। 4 को अच्छे से पानी डाल दें और इसे बॉईल करेंगे। हम करीब 1 छोटे चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून चीनी डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक बिल्कुल स्वीट ग्रेवी है, इसमें मसाले हम ज्यादा नहीं डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा धनिया मिर्च का पाउडर हम डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। यहाँ हम घर की मलाई डाल देंगे, 4 बड़े चम्मच हम घर की मलाई डाल देंगे। आपके पास घर की मलाई नहीं है तो अमूल फ्रेश क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं। मलाई जब तक मेल्ट हो रहा है इसे आप चलाएं। ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेवर के लिए हम सैफ्रन वाटर डालेंगे। यहाँ मैंने गरम पानी में केसर को भिगो के रखा है, इसमें हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। केसर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, फ्रेग्रेंस भी इसका अच्छा आएगा और टेस्ट डबल हो जाएगा। ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, हम इसके अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ग्रेवी रेडी है, इसमें मैंने जो पनीर बॉल्स बनाया है इस ग्रेवी हम इसे मिक्स कर देंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते बनकर रेडी हैं। मैंने प्लेट में इसे निकाल लिया है, आप इसे फ्रेश मलाई के साथ अब सर्व करें। तो है ना बिल्कुल लाजवाब रेसिपी, सिर्फ पनीर और ब्रेड से मैंने कोफ्ते बनाए हैं और बहुत लाजवाब इसका टेस्ट आया है। तो एक बार इसे घर में आप जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।